बस चार पंक्तियां आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं समझा रही हूँ। आज वुमेन्स डे है तो मेरी जो कविता है ये मेरी खुद की बनाई हुई है, तो थोड़ा मैम शब्दों का अगर कुछ वैसा होगा तो प्लीज मैं पहले माफी चाहती हूँ। और थोड़ा फीलिंग्स के साथ मैंने जब मैंने पोएम बनाई थी, मैम मैं कोई पोइट्रेस तो हूँ नहीं, बट जब मैंने लिखी थी तो हैदराबाद में एक लड़की का रेप हुआ था और फिर उसको जला दिया था, बड़े ब्रूटली किल करा था। तो मतलब मेरे ना मन में इतना दुख हुआ था, पता नहीं मैं न्यूज़ नहीं सुनती थी, वो न्यूज़ मैंने सुनी थी तो मेरा दिल इतना आहत हो गया था। 2018 की बात है, नवंबर वो दिन, हालांकि ऐसे केसेस कई होते हैं लेकिन जब वो मैंने देखा ना मैं बहुत आहत हो गई थी, तो तब मैंने ये पोएम लिखी थी। तो इसमें वो वर्ड है, हालांकि हम बहुत इंजॉय कर चुके हैं तो समा अच्छा है, तो लेकिन ये आपके अंदर की शक्ति के लिए है, नारी के ऊपर है, तो आज इससे बेटर मंच मुझे नहीं मिलेगा सुनाने के लिए। बहुत मुश्किल से ऑडियंस मिलती है इतनी प्रीटी, तो मैं सुनाना चाहूंगी, तो प्रस्तुत करती हूँ। हे नारी तू तितली है ये पर्याय बदल दे, हे नारी तू तितली है ये पर्याय बदल दे, छोड़ सारी मर्यादाओं को आगे पथ पर चल दे, छोड़ सारी मर्यादाओं को आगे पथ पर चल दे, कोई कुछ भी करे तुझ संग गलत ना तेरे बारे में सोच ले। यहाँ हमारे साथ लड़कियां भी हैं, अब कोई कुछ भी करे तुझ संग गलत ना तेरे बारे में सोच ले, ऐसी सोच अगर आए दुष्ट के मन में तो बन जा शेरनी और उसे दबोच ले, तो बन जा शेरनी और उसे दबोच ले। माँ बाप बेटा होता है कितना खुश होते हैं, माँ बाप जब पैदा करते हैं बेटा तो मन उज्ज्वल होता हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है, और जब पैदा हो बेटी तो मन विचल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना सब उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे समय बीतता है सब उल्टा हो जाता है। कपूत घर बेटा हो सपूत घर बेटी हो तो बेटी ही बेटा बन जाता है, लड़कियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। भाग्य खराब ना हो किसी बेटी का प्रयास आज करने होंगे, भाग्य खराब ना हो किसी बेटी का प्रयास आज करने होंगे, बेटियों को सक्षम और बेटे भी अच्छे हैं और बेटियां भी, उनके अंदर हम क्या शिक्षा डाल रहे हैं ये हम पर निर्भर करता है, तो बेटियों को सक्षम बनाए, बेटियों को सक्षम और बेटे संस्कारी करने होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।